स्वागत है फ्रेंड्स मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स एक रिमोट कंट्रोल सर्किट बनाएंगे जो कि नॉर्मल एक टीवी के रिमोट से ही ये वर्क करेगा। तो हमें इसे बनाने के लिए लेना है एक आईसी जो कि BD140 है, और इसके बाद फ्रेंड्स लेना है हमें एक 16 वोल्ट का कैपेसिटर और एक ट्रांसमीटर और रिसीवर। जो 16 वोल्ट का कैपेसिटर है उसका μF 470 μF का है, तो ये तीन ही चीज़ हमें चाहिए और इससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आईसी का सिल्वर कलर वाली पट्टी है हमें इसको ऊपर की तरफ रखना है और हम ये हेल्पिंग हैंड में इसको लगा देंगे। इसके बाद जो हमारी बीच वाली लेग है इस आईसी की वो हमें हल्की सी नीचे बेंड कर देना है, और इसके बाद फ्रेंड्स हमें लेना है ट्रांसमीटर रिसीवर जो कि ये मिलता है। और ये फ्रेंड्स इसका जो ऊपरी हिस्सा है हमें इसको इस तरीके से रख के यहाँ पर फोल्ड करना है, मतलब जो ऊपर का हिस्सा है हल्का सा वो हमें ऊपर ही रखना है। तो इस तरीके से मैं लगा के इसके अंदर अच्छे से सोल्ड कर दूंगा। और ये इस जो रिसीवर का जो ऊपर का हिस्से की बीच वाली लेग है वो हमें हल्की सी ऊपर ही रखना है, और जो हमारी आईसी की लेग थी वो हमें नीचे रखना है, और जो आसपास की जो पॉइंट है वो हमें अच्छे से इसको सोल्ड कर देना है। तो देख सकते हैं वीडियो में देख के आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने इसमें सोल्ड कर दिया है, और ये दोनों पॉइंट हमारे अब बाकी रह गए हैं। इसके बाद हमें लेना है कैपेसिटर जो कि माइनस पॉइंट आपको प्रिंट दिख जाएगा और पॉजिटिव अलग दिख जाएगा। तो माइनस पॉइंट को हमें इस तरीके से यहाँ पर रख के लगा देना है यहाँ पर। तो जो माइनस वाला है ये यहाँ पर है और प्लस वाला यहाँ पर, तो दोनों पॉइंट हमने इसको अच्छे से सोल्ड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये हमारा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो इसके बाद हमें लेना है मोटर जो कि गियर मोटर है, आप नॉर्मल मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको टेस्टिंग कराने के लिए ये यूज़ में ले रहा हूँ, इसके अलावा आप और भी यूज़ कर सकते हैं। जो मोटर का एक वायर है हमें लगाना है जो ये ट्रांसमीटर रिसीवर है इसके ऊपर बीच वाली लेग पे, और जो दूसरा वाला वायर है फ्रेंड्स वो हमें लगाना है आईसी की जो नीचे लेग हमने बेंड करी थी उस पर। तो आपको मोटर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इसके लिए आप वायर चेंज कर सकते हैं दोनों को, इसमें मोटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद लेना है 3.7 वोल्ट की बैटरी, आप नॉर्मल कहीं की भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर हैं, तो हमें जो नेगेटिव वायर है वो हमें जो आईआर रिसीवर है ट्रांसमीटर है हमें इसके ऊपर यहाँ शोल्ड कर देना है नेगेटिव वायर, और जो हमारा पॉजिटिव है वो हमें यहाँ पॉजिटिव कैपेसिटर जहाँ कनेक्ट है वो हमें वहाँ कनेक्ट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, ईजीली आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहे होंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सोल्ड करा है यहाँ पर दोनों वायरों को, बिल्कुल ईजिली कनेक्शन है, सिंपल कनेक्शन, तो छोटा सा सर्किट है, और ये हमारा वर्क करेगा एक टीवी के रिमोट से जो कि नॉर्मल रिमोट है फ्रेंड्स, ये डिश टीवी का, वो भी फ्री डिश वाली टीवी का है। तो इसी से हमें वर्क कराना है इस सर्किट को, कैसे काम करेगा हम इसको देख लेते हैं। इसमें मैं एक टेप लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से, और ये सर्किट कहीं की भी आप इसमें बटन यूज़ कर सकते हैं तो ये काम करेगा। देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ईजिली आपको ये मिल जाएगा जो कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस पर मैं कहीं के भी जो बटन से प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारा वर्क कर रहा है, और काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।